हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल बोर्ड बनाने के विरोध में जलदाय मजदूर संघ उतरे सरकार के खिलाफ। जल बोर्ड बनाने के विरोध में विभिन्न संगठनों के मजदूरों ने अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व्रत बाड़मेर को मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल और मल वहन बोर्ड बनाकर जल सप्लाई का कार्य पीपीपी मॉडल और बड़ी फर्मों द्वारा ठेके पर दिए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, जिससे विभाग के अस्तित्व और कर्मचारी और अधिकारियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। जबकि विभाग में पिछले 30 सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है और 30-35 सालों से विभागीय कर्मचारियों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 15 जून 2018 और 8 अगस्त 2018 द्वारा अध्यादेश लाकर मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा में अनुमोदन किया जाना है। बोर्ड का प्रशासन स्वायत्त शासन विभाग को दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस बाड़मेर, राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक, जिला भारतीय मजदूर संघ सहित विभिन्न संगठनों ने सरकार का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के बाड़मेर में गौरव यात्रा के दौरे को लेकर विरोध की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के तहत यह निर्णय हुआ है कि 5 तारीख तक यदि सरकार ने अपनी अधिसूचना वापस नहीं ली तो 5 तारीख को हम विधानसभा और जल भवन का घेराव करके और जो राजस्थान की गौरव यात्रा चल रही है मुख्यमंत्री की, उस गौरव यात्रा के दौरान हम जगह जगह विरोध करेंगे और सरकार के खिलाफ जन जागरण करेंगे और हम पब्लिक में भी यह जाकर बताएंगे कि सरकार के इस निर्णय से जो आप अभी पानी फ्री में पी रहे हो उसका बिल आएगा, आप एक लोटा भी पानी बिगैर पैसे के नहीं ले सकते हो और ये निजी कंपनियों की मनमानी होगी। इससे पहले भी कई विभागों का जो बोर्ड बनाया गया है, जैसे हमारे सामने ही है परिवहन निगम, उस निगम की अभी 7वां तो क्या 6ठा वेतन आयोग के बारे में भी वो सुविधाओं को लिए तरस रहे हैं और कई सालों के उनके 8-8, 6-6 महीनों के वेतन बाकी पड़े हैं और ये सरकार अपने कर्तृत्वों के ऊपर खुद अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार रही है। हम इस सरकार के जन जागरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी सरकार वसुंधरा जी अभी 1 महीना है, आप जाग जाओ, नहीं तो ये पूरे राजस्थान के जलदाय ही नहीं समस्त कर्मचारी समस्त एकीकृत महासंघ एवं जलदाय इंटक बीएमएस सभी मिलकर इस पूरे राजस्थान में जन जागरण अभियान करके राजस्थान सरकार के खिलाफ हम वोट प्रदर्शन के लिए कहेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान गौरव यात्रा का आपके द्वारा विरोध किया जाएगा, वो किस प्रकार से विरोध किया जाएगा? काले झंडे दिखाए जाएंगे या फिर नहीं? हम ज्ञापन के माध्यम से और इसके खिलाफ नारे लगा के। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।